हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कोट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना बहुत सारे लोग ऑल नहीं सिलेक्ट कर रहे इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दे दिया है एंड आज के दिन के जितने भी वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो तो चले दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सर वो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑलमोस्ट अगर देखा गया तो दो से तीन वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं सो so, कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं तो उसमें से कुछ पॉपुलर कमेंट्स यही थे सर थोड़ा मार्केट के बारे में भी बात कीजिए राइट मार्केट के बारे में मतलब निफ्टी फिफ्टी की अगर हम लोग बात करें आज के दिन खाप नाइम मार्केट चेक किया कि नहीं कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे प्लस कुछ और भी आपके डाउट्स है जैसे कि सर क्या मार्केट के लिए ये खतरा है क्या मार्केट क्रैश हो सकता है क्या ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने का या नहीं है सारे आपके जो डाउट्स है मेरे हिसाब से स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं फाइनल डिसीजन तो आप खुद ही यहाँ पे लेने वाले हो सो चलिए स्टार्ट करेंगे निफ्टी निफ्टी के साथ वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों अल्टीमेटली ये चीज़ें जाकर कहाँ पे कनेक्ट होने वाली है येस yes, अदानी को ही कनेक्ट होने वाली है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये यहाँ पे एंड है कोई ठीक है अगर आपको डाउट है किसी चीज़ का आप यहाँ से शुरुआत करते हो आप इधर ही पूछोगे अदानी के ऊपर आप यहाँ से शुरू करो आप पूछोगे इधर ही राइट तो किधर से भी लिंकेज लगने वाला है वहीं पे हम लोग पहुँचने वाले पर चलिए निफ्टी की बात करें यस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को आप मिली है एंड ये वॉलेटिलिटी दोस्तों डेफिनेटली एक मतलब हमें एक साफ़ इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी अभी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही फॉलो करने वाला है ये आज का दिन का ये इंडिकेशन था मैं आपको बताऊंगा अभी दोनों के चार्ट पैटर्न कंपेयर करके बताऊंगा देखिए निफ्टी निफ्टी का यूजुअली किंग कौन है बहुत सारे लोग बोलेंगे रिलायंस जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं आपको पता है निफ्टी का एक्चुअल जो किंग है वो रिलायंस नहीं है येस एक्चुअल में देखा गया निफ्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो है एच डी एफ़ सी बैंक के ऊपर मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस में आपको क्लैरिफिकेशन दिया ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से बैंक निफ्टी मूव करता है उस हिसाब से हमें निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल जाता है राइट एंड बैंक निफ्टी किस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा मूव करते हुए देखने को मिल जाएगा यूजुअली एच बैंक जिस प्रकार से हिलता है ना वैसा ही बैंक निफ्टी में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है तो यूजुअली हम लोगों ने देखा है जो रिमोट कंट्रोल है जो निफ्टी निफ्टी का वो हम लोग को एच बैंक में ही देखने को यहाँ मिलता था बट अभी जैसे कि आप लोगों को पता है सिचुएशन हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ मिल रहे हैं सो so, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम लोगों को निफ्टी विफ्टी देखने को मिल रहा है यस इसका जो पूरा रिमोट कंट्रोल है पे शिफ्ट हो चुका है यस अदानी ग्रुप के ओर हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड अदानी ग्रुप में भी देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज देखने को मिल जाती है तो एग्जैक्टली कौन से कंपनीज को देखे तो आप सभी लोगों को ये भी पता ही है ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइज़, यस अदानी एंटरप्राइज़ अगर देखा गया फिलहाल के जो माहौल चल रहा है बाजार का देखिए सिचुएशन ना बदलती रहती है ये कोई लाइफ टाइम सेम सिचुएशन नहीं रहेगी बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना उसको हम लोग को फेस करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो यस, अदानी एंटरप्राइज के पास अभी ये रिमोट कंट्रोल आ चुका है निफ्टी फिफ्टी के हिसाब से अभी वो कितने टाइम तक रहेगा वी डोंट नो बट यस एच डी एफ सी बैंक नहीं अभी अडानी एंटरप्राइज को ही हर कोई यहाँ पे ज़्यादा ट्रैक कर रहा है आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसी के ऊपर फोकस था कैसे ये ओपन होगा सर्किट लगेगा तेजी रहेगी क्लोजिंग कैसे होगी उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली थी एंड अगर आप चेक भी करोगे अदानी एंटरप्राइज का चार्ट पैटर्न जस्ट एक बार एक ओवरव्यू कर लेना शुरुआत देखो कैसे हुई गैप अप हुई कि नहीं राइट एक बार चेक कर लो किसको को यहाँ पर मैं थोड़ा सा निफ्टी का ओपन कर लेता हूँ ठीक है मैंने निफ्टी को यहाँ पे ओपन कर लिया है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो शुरुआत हुई थी थोड़ी सी दबाव के साथ ही देखने को यहाँ पे मिली थी बट आगे आगे देख सकते हो यहाँ पे कि जैसी अदानी इंटरप्राइज में हम लोग को जोश भरते हुए देखने को मिला ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली वैसे ही तेज़ी हम लोग को निफ्टी में भी यहाँ पे आती हुई देखने को मिली राइट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट एक पर्टिकुलर ग्रुप एंड उससे रिलेटेड जो शेयर है उसके कंट्रोल में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है राइट आप दोनों के चार्ट पैटर्न देखोगे ना तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी हाँ थोड़ा सा निफ्टी में हम लोग को थोड़ा सा जो वॉलेटिलिटी था वो थोड़ा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला था बट ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है दोनों का वो बिल्कुल हम लोग को सेम पैटर्न में देखने को मिले आप चाहो तो इसको एन भी बोल सकते हो राइट ये निफ्टी का एन है आप बोल सकते हो एंड ये अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम लोग को सेम ही पैटर्न देखने को मिला है सो so, जैसे ही अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट कहाँ तक आई आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लगभग तेरह पचपन के आसपास तेरह पचास के आसपास चालीस के आसपास हम लोग को एक गिरावट बिल्कुल नीचे बॉटम पे जाती हुई देखने को मिली वही अगर आप यहाँ पे निफ्टी का भी बॉटम चेक करोगे तो उसी के आसपास आपको ये दिखे तेरह पचपन के आसपास ही देखने को मिला है सो ये इतना लंबा चौड़ा मैं आप भाषण क्यों दे रहा हूँ यही बताने के लिए कि इंडेक्स का जो फ्यूचर है फिलहाल के टेम्पररी बेसिस के हिसाब से वो अदानी एंड उसका जो शेयर से अदानी एंटरप्राइज उसके हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं राइट right? अब चेक कर सकते हो ओवरऑल इतनी बातें कर ही ले तो क्लोज भी कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो निचले स्तर से गज़ब की तेज़ी भी देखने को मिली कि नहीं सेम चीज़ निफ्टी फिफ्टी में भी आप देख सकते हो गजब की तेज़ी देखने को मिली तो अभी तक तो ये मतलब मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया कि निफ्टी फिफ्टी फ़िलहाल हम लोग को अदानी एंटरप्राइज़ कैसे चल रहा है उसके हिसाब से ही चलते हुए देखने को मिल रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके पहले तो नहीं होता था तो रीज़न बहुत ही साफ़ है जो सिचुएशंस देखने को मिल रही है एंड जो एलिगेशन लगे हैं एंड अदानी इंटरप्राइज अदानी ग्रुप जिन बाकी कंपनीज के साथ उनके डीलिंग देखने को मिल रहे हैं इसके चलते इंटायर इंडेक्स हम लोग को मूव करते हुए देखने को मिल रहा है जैसे मैंने आपको इसके पहले भी भयंकर टाइम मैंने रिपीट करके बात बोली है बहुत सारे लोग ऐसे खुश होते थे सर जाने दो तो ना अदानी मतलब अदानी ग्रुप गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है क्यों यस क्योंकि इन्होंने बैंक के थ्रू लोन लिया है समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं टोटल लोन कितना है इनके ऊपर दो सवा दो लाख करोड़ एंड बैंक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें नियर बाय अस्सी हज़ार लाख करोड़ का तो लोन वैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली अगर इस ग्रुप को अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी हम लोग को बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अदानी ग्रुप गिरा अदानी एंटरप्राइज गिरा तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था एंड ये थ्रेट बहुत बड़ा है राइट ऐसा कोई पैनिक करने की बात नहीं बट बताने की जो जेन्यून चीज़ें चल रही है वो हमें खुले दिल से देखने यहाँ पे आनी चाहिए सो डेफिनेटली फ़िलहाल अगर देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा करना चाहिए ठीक ठाक किया है परफॉर्मेंस हम कह सकते चार परसेंट सम मैनेज करने की कोशिश की है बट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन रफ रफ्तार की तरह तेज़ी यहाँ पे आनी चाहिए थी कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए वो फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली सो आने वाले समय में अभी क्या होगा वो तो मतलब देखना पड़ेगा एंड अगर अदानी एंटरप्राइज़ मान लीजिए कि अगर अच्छा नहीं करता है तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते बैंक अच्छा नहीं करेंगे मतलब बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी सो इसका ओवरऑल संगम कहाँ पे आके रुक जाएगा निफ्टी फिफ्टी के ऊपर ही आके रुक जाएगा सो इसीलिए अदानी इंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी खबरें आती है आप देख सकते हैं हर जगह पे आपको वही चीजें देखने को क्योंकि फिलहाल बेसिस के ऊपर क्यों ना हो निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है वो अदानी ग्रुप का डायरेक्शन किस लेवल पे जाएगा उसी के हिसाब से अगर मान लीजिए मान लीजिए अदानी ग्रुप के शेयर में जबरदस्त अपर सर्किट लग जाते हैं मान लीजिए तो उस दिन बैंक निफ्टी देख लेना एंड उस दिन निफ्टी फिफ्टी देख लेना तो आप समझ जाओगे कि पूरा कंट्रोल उसी के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है सो so डेफिनेटली ऐसा कंट्रोल एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास चले जाना एंड एक पर्टिकुलर शेयर कंपनी के पास चले जाना डेफिनेटली ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है राइट बट फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग को डील करनी पड़ेगी सो so डेफिनेटली अभी अदानी एंटरप्राइज उससे रिलेटेड क्या खबरें आती है वही मार्केट हाँ, का डायरेक्शन यहाँ पे फिलहाल तो तय करेंगे सो so अभी जाते जाते नो no डाउट आप यही पूछोगे कि फिलहाल बाजार में गिरावट देखने को मिल रही तो सर क्या ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो प्रॉपरली अगर आप देखते हो तो इस सवाल का जवाब मैं बोल्ड अक्षर में दे चुका हूँ वाई ई एस मतलब यस yes. पर यहाँ पे अगेन दिक्कत होती है दिक्कत कहाँ पे होती है कि देखिए मार्केट को आप चाहो तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो एक हिस्से में सीधा सीधा बात है अदानी एंड उनके शेयर्स एंड दूसरी जगह पे है अदर देन अदानी शेयर्स राइट या फिर आप बोल सकते हो ऐसे शेयर्स जो कि अदानी के साथ लिंक ही नहीं है वरना ऐसा नहीं आप एल को बोलोगे तो नहीं वो तो अदानी के साथ ही मतलब अदानी के इसमें ही आ जाते हैं राइट मतलब वो बोल नहीं सकते हम लोग कि अदानी से ही है बट वो वहीं पर आ जाते हैं एस भी वहीं पर हम लोग को देखने को मिल जाता है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ राइट तो आपको पता चलेगा ये देखिए अदानी की बात करें तो एल एंड एस बी हम लोग को इसी ग्रुप में देखने को मिल जाता है तो हमें क्या करना है ये जो मैंने बोला ना कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है येस करके तो मैं अदानी के शेयर्स के हिसाब से एंड उनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अप डाउन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड में अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मार्केट का एक बेसिक रूल होता है जो कि मैं तो फॉलो करता हूँ हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है कि बोलते हैं ना कि फॉलिंग नाइफ कैच करनी नहीं होती है या फिर जिधर अनसर्टिनिटी देखने को मिल जाती है अनसर्टिनिटी मतलब किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे क्योंकि ये खबरों के चलती चीजें चली गई एंड खबरों के ऊपर ना तो आपका कंट्रोल है ना तो मेरा कंट्रोल है एंड अगर ऐसी चीज़ों में अगर आप निवेश करते हो तो मतलब बोलते ना वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है आपके फेवर में जाएगी या फिर नहीं जाएगी इसका कोई तालमेल नहीं होता है तो ऐसे चीज़ों में मैं क्या करता हूँ यूजुअली उनको अवॉइड करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बोला क्या ये अपॉर्चुनिटी है तो हाँ तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अदर देन अदानी शेयर्स में जाइए मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि अदानी आपको ये जो शेयर्स मार्केट में गिर रहे हैं राइट ये मतलब आपको मौका दे रहे हैं कैसे मौका दे रहे हैं जो बाकी के शेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं राइट वो भी हम लोग को अननेसेसरली बाज़ार का जो सेंटिमेंट खराब होता है उसके चलते वो भी गिरेंगे तो आप वहाँ पर जाइए ना जिसका कोई अदानी से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक आप उन स्टॉक्स को पिक कीजिए आपको वो ऐसे बहुत सारे शेयर्स अच्छे लगते थे आप चेक कीजिए आज वो 10 परसेंट नीचे है 15 परसेंट नीचे है 20 परसेंट नीचे है अगर ये सिचुएशन अगर थोड़ी ख़राब हो गई बाज़ार में अगर पैनिक फैल गया तो वो शेयर्स भी और नीचे आ सकते हैं तो वहाँ पर जाके आप बाइंग कर सकते हो जिनका बिजनेस सॉलिड है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे वो मार्केट में तेजी के साथ रिजल्ट के बाद तेजी के साथ भाग रहे थे बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल सिचुएशन जो अभी क्रिएट हुई है उसके चलते मजबूरी में उनको भी गिरना पड़ा है तो आप वहाँ पे जाइए क्यों अननेसेसरली यहाँ पे जैसे कि बात करें कि केवल ये अदानी के ही शेयर से करके आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो अल्टीमेटली पैसा कमाओगे तो आप ही कमाओगे गवाओगे तो वो भी आप ही गवाओगे बट सेफ ऑप्शन कहाँ पे है यस अदर देन अदानी स्टॉक्स जो कि आपको आने वाले समय में वो ऑप्शन अभी भी ओपन हम लोग को देखने को मिल रहा है अच्छे अच्छे शेयर्स नीचे देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप चाहो तो वहाँ पर फोकस करो आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक वहाँ पे मिल जाएंगे सो so आशा करता कर दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिया हमें हाँ थोड़ा रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ एक मेरी बुरी आदत में से आप चाहो तो बोल सकते हो बट आपके डाउट क्लियर होने चाहिए राइट स्टडी पर्पस के लिए इसलिए ये सारी चीज़ें वीडियोस लंबे होते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए डिटेल वीडियो कौन सा कि अदानी के शेयर्स यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे क्या उन शेयर्स में क्या हम लोग इन्वेस्ट करें येस और नो तो मेरे हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसके ऊपर अगर आपको डिटेल बेड चाहिए तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली लॉजिक के साथ दो ही मतलब दोस्तों यहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कोई इधर उधर की बातें नहीं जेन्यूनली हम लोगों ने क्या करना चाहिए वो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा तो आपको डिसीजन लेने की शायद से थोड़ा बहुत आसानी हो सके सो चाहो तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना मैं जरूर इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाले समय में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड अदानी के ऊपर ही फोकस रखना क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास देखने को फिलहाल तो मिल रहा है डिमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पच्चीस मिल जाएगी आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली में में देना हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे so